फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब उमेश दोस्त, अच्छे हो गए। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिएमा जेल बार और इसका जो वेरिएंट रहने वाला हुआ है पीच एंड एवोकोडा। इसमें 5-6 वेरिएंट आते दोस्तों, उन्हीं में से एक अपने पास ये रहने वाला पीच एंड एवोकोडा और इसी की मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देखो, ऑरेंज कलर की इसकी पैकिंग मिलती है और एवोकोडा इधर बना हुआ मिलता है, ठीक है ना। पीच ये आपकी इधर मिलती है, ठीक है ना। टोटली मतलब फ्रूट्स पे जो है ये साबुन बेस रहने वाला है। इसका यूज आप फुल बॉडी पे भी कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सको, नहीं तो फेस पे इसका यूज जो है ज्यादातर किया जाता है, ठीक है ना। बात करें इसकी क्वांटिटी की तो 125 ग्राम का जो साबुन का प्राइस मेंशन हुआ है 100 रुपीज। ये इंडिविजुअल तो नहीं मिलता, कई बार दुकानों से तो मिल जाएगा, अगर ऑनलाइन आप इसको मंगाओगे तो इसका जो पूरा सेट है ना वही मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। थोड़े बहुत इसके अगर आप इंग्रेडिएंट पर नजर डालना चाहते हो तो इंग्रेडिएंट ये रहे, देखो। वीडियो को रोक के वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के आप इसके जो इंग्रेडिएंट है वो रीड कर सकते हो। ये रहे देखो, सोडियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड एक्वा प्रोपाइलिन ग्लूकोल, ठीक है ना। सैलिसाइक्लेट वगैरह है, ठीक है। एवोकोडा एक्सट्रैक्ट का इसके अंदर यूज कर रखा है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑफ पीच का यूज कर रखा है, ठीक है ना। लेमोनिना का यूज कर रखा है, काफी अच्छी अच्छी इसके अंदर दोस्तों इंग्रेडिएंट मिलता है। चलो एक बार मैं अंदर से इसका जो साबुन है वो आपको दिखाता हूँ। फिएमा की इस टाइप की जो पैकिंग में रैपर में आएगा निकल के, ठीक है ना। इधर ये फ्रूट्स वगैरह बने हुए फिएमा के बैजिंग इधर है और मेन जो सोप आपका वो इधर मिलेगा, बिल्कुल ऑरेंज कलर का जो है ये सोप मिलेगा आपको। और फ्रेगनेंस इसकी दोस्तों लाजवाब है, इसकी जो फ्रेगनेंस है ना हल्की सी जो पियर्स टाइप का, जो अगर आपने कभी साबुन यूज किया होगा ना उस टाइप की जो है इसकी आपको फ्रेगनेंस मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा साबुन है, बढ़िया साबुन है, गर्मी के सीजन में आप इसका यूज कर सकते हो, डेली यूज में आप इसका यूज कर सकते हो। आपकी फेस पे ये दोस्तों फ्रेगनेंस देगा, शाइनिंग देगा, एलर्जी को दूर करेगा और एक हेल्दी जो ग्लो है आपकी फेस की स्किन पे ये देगा। जिस मेरे भाई को बहन को इसको यूज करने के बाद कोई एलर्जी हो, रेडनेस हो, ईचिंग हो, बर्निंग हो, ड्राइनेस हो, तो इस साबुन का यूज अपने चेहरे पे मत करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपको पूरा डेमो करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अभी ये जो वीडियो थी हमारी ओनली रिव्यू पर्पज थी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी मैं पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ, कैसे साबुन है और क्या आपको इसका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लव यू और ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और इस साबुन से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहते हो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए मैं सुन रखता हूँ, जो भी पूछोगे इसका जवाब जरूर दूंगा। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।